लाइफ मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा। 6 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है एक आम इंसान के लिए। बच्चों के लिए 7 से 8 घंटा सोना उपयुक्त रहता है। 6 घंटे की नींद, 1 घंटे का कम से कम प्रतिदिन योगाभ्यास, 1 घंटा शौच स्नान पूजा पाठ और अपनी अन्य स्वाध्याय आदि योग यज्ञ आदि दूसरी दिनचर्या के लिए, फिर 2 से 4 घंटा अपने परिजनों के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए 2 से 4 घंटा, और 14 से 16 घंटा हर दिन काम करना। आपको जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तनावग्रस्त नहीं होंगे। क्योंकि आप तनावग्रस्त इसीलिए रहते हैं कि आपका लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है। देर तक आप जगते रहते हैं, देर से फिर जागते हैं, फिर काम के लिए भागते हैं, आगे निकलने की होड़, और इस दौड़ में आदमी का खुद से ही कहीं कनेक्शन टूट जाता है और उसका अमन चैन सब गायब हो जाता है। फिर वो बहुत तरह की कोशिशें करता है अपने आप को शांत रखने के लिए, बहुत तरह की कोशिश करता है अपने आप को एकाग्र रखने के लिए, लेकिन जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता, जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं बन पाता। तो फिर एक अफसोस, एक आत्मग्लानि का भाव, एक अपराध बोध हमेशा उसको सताता रहता है। इसलिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए। सुबह उठते ही फिर पानी पीना और शौचादि से निवृत्त होकर के फिर योगाभ्यास करना, खाने में हल्का सात्विक आहार लेना, हमेशा खुश रहना, सबके साथ हंसते मुस्कुराते बात करना, रिएक्शन में ज़्यादा नहीं रहना। छोटी छोटी बातों में हम उलझते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, घर में भी आपस में झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं। हमेशा दूसरों की बड़ाई करना सीखो, हमेशा दूसरों से मुस्कुराते हुए बात करना सीखो, और कोई बात बुरी भी लगी हो तो उसको विनम्रता से कहना सीखो, और हमेशा बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो। और 99% हमारी ऊर्जा नकारात्मक सोचने में लगी रहती है, और उसका कारण यह होता है कि हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 1% कभी भी आलस्य भी आ जाए, निराशा भी आ जाए, हताशा भी आ जाए, चाहे कितने ही चिंताएं आ जाएं, कितनी बाधाएं आ जाएं, कितनी संकट आ जाएं, कितनी प्रतिकूलताएं आ जाएं, जीवन है तो आपको सब कुछ सहना पड़ेगा, और इसके बीच में बहुत कुछ करना है आपको। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव मोड पर रखिए। हमारी लाइफ की 2 फ्रिक्वेंसी हैं, एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी, एक पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, एक निम्न चेतना, एक उच्च चेतना। और जब आप उच्च चेतना से युक्त होकर के जीवन को जिएंगे, तब आपका जीवन बहुत पावन होगा, देह देवालय बन जाएगा, शिवालय बन जाएगा, जीवन एक उत्सव बन जाएगा, हर एक दिन को आप एक जिंदगी की तरह जीने लगेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी की हर सुबह मेरा एक नया जन्म है, और एक दिन मेरे लिए जिंदगी के बराबर है। मुझे जो जिंदगी में करना है वो एक ही दिन में करना। बुरी आदतों को पूरी ताकत लगा करके, साहस के साथ, हिम्मत के साथ, विवेक के साथ छोड़िए, उनसे दूर रहिए, और अच्छी आदतों को प्रयत्नपूर्वक डालिए। जैसे योगाभ्यास करने की आदत, जल्दी उठने की आदत, कम खाने की आदत, कम बोलने की आदत, मीठा बोलने की आदत,
दूसरों का आदर करने की आदत, बुरी आदतें, गुस्सा करना, नाराज होना, बार बार चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीना, इन आदतों से मुक्त रहिए। आप देखना आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और जब आप व्यवस्थित होते हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, आपका लाइफ मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो आपका फैमिली मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, आपका बिजनेस मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। आप अच्छे होंगे तो आपके लिए सारी दुनिया अच्छी होगी।